नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। जल जमीन पर्यावरण बचाने के लिए बंगाल से दिल्ली तक की पद यात्रा पर निकले दंपति कानपुर नगर पहुंचे। रोजाना 25-30 किमी पैदल चलते हैं। आज देश की सबसे बड़ी समस्या को लेकर जल जमीन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुर्गापुर कलकत्ता से निकले एक युवा दंपति सुबो चक्रवर्ती व रोमा चक्रवर्ती, यह दोनों पति पत्नी है, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए संकल्प के साथ पद यात्रा पर निकले हैं। आज रामादेवी पहुंचने पर इस दंपति का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस बाबत सुबो चक्रवर्ती ने बताया कि वह 25 जनवरी 2023 को दुर्गापुर कलकत्ता से पैदल यात्रा कर नई दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ज्ञापन देंगे। हम रोजाना 25-30 किलोमीटर्स की पैदल यात्रा करते हैं। अब तक 994 किलोमीटर्स की यात्रा कर चुके हैं। जगह जगह पेड़ काटे जाने से छाया को तरस जा रहे हैं। हाईवे व सड़क चौड़ीकरण कर रोजाना सैकड़ों पेड़ कटते जा रहे हैं, जिस कारण से गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे तो एक समय हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए नदियों की सफाई पर भी हम सबको जागरूक करने के उद्देश्य से हम यह पैदल यात्रा कर रहे हैं। 20 मार्च तक हम दिल्ली पहुंचकर भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मिलकर पूरे देश को जागरूक करने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। यह दंपति जिस जगह रुकते हैं वहां गरीब असहाय और जरूरतमंदों को वस्त्र भी वितरण कर एक संदेश दे रहे हैं। यानी एक साथ समाज सेवा व पर्यावरण संरक्षण को बचाने का संकल्प लेकर नवयुवकों को एक संदेश भी दे रहे हैं। दुर्गापुर कलकत्ता में ई रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चलाने वाले का आज अमरनाथ सेवा मंडल के अजय वर्मा, जितेंद्र वर्मा, पीयूष सिंह, अभिताभ पांडेय, दिलीप कुमार मिश्रा, जग महेंद्र अग्रवाल आदि ने उनके जलवे को सलाम करते हुए उनसे नवयुवकों को सीख लेनी चाहिए व पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होकर कार्य करने चाहिए। 1563 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देश की जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है यह दंपति। हमारी टीम इनके जलवा को सलाम करती है। कानपुर से संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबो चक्रवर्ती। आप कहाँ से आए? हम पश्चिम बंगाल दुर्गापुर साइड। आपका क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से आप निकले हैं? उद्देश्य हमारा ये है, प्रकृति को बचाने के उद्देश्य से निकले। हमारे माँ को बचाने का है, भारत माता को बचाना है। क्या क्या बचाना चाहिए? हम लोग गाड़ी धो रहे हैं, तो ये जनजागरण करने के लिए हम निकले। मिट्टी के ऊपर हम लोग प्लास्टिक वगैरह
धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने यहाँ मीडिया के बंधु लोग आए हैं। हमारे भारत के चतुर्थ स्तंभ बोले जाते हैं मीडिया को, आप लोगों को हम नमन करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से ये प्रचार हो रहा है, हो रहे हैं कि हम जा रहे हैं और प्रकृति को सुरक्षा देना चाहिए। इसलिए आप लोग हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना कर रहे हैं और आपको नमन कर रहे हैं सभी को। और जो जिला अध्यक्ष जी जो जिन्होंने उनका मैंने बैनर देखा आप लोगों को सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.